गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि जो काम मैंने पिछली क्लासेस में आप लोग को सिखाया था वो आप कर चुके होंगे। कवर पेज बना लिया होगा, कलर भी कर लिया होगा और सुंदर तरीके से अपने नाम को भी लिख लिया होगा। अब इसके बाद बच्चों, आगे हम आज बताएंगे आप लोगों को रंगों के नाम। आप लोगों ने कलर बॉक्स खरीद लिया होगा, वाटर कलर खरीदना था आप लोग को कैमल का, जैसा कि मैंने पहले ही आप लोग को बताया था। वाटर कलर ट्यूब वाले लेने हैं 12 शेड्स के, कोई भी छोटा रंगीला कलर नहीं लेगा। ये कलर आपको लेना है और कैसे बनाना है मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये मान लीजिए आपकी फाइल का पेज है, आपको बाई तरफ छोटे छोटे 12 रंग हैं, तो 12 गोले छोटे छोटे बनाने हैं। ये आप गोला प्रकार से बना सकते हैं, किसी बॉटल के ढक्कन से भी बना सकते हैं। ऐसे करके क्रम से आपको पूरा 12 गोले बनाने हैं। 12 गोले बनाने के बाद छोटा डैश करेंगे आप लोग इस तरह। इसके बाद क्रम से जितने आपके कलर बॉक्स में रंग हैं, ये देखिए, जैसे ये कलर्स हैं, सारे कलर्स को एक एक कलर को एक एक गोले में भरते चलेंगे आप लोग। और जब ये रंग सारे भर जाएंगे तब आपको क्या करना है, इन कलर ट्यूब पर हर कलर का नाम लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे लिखा है कैमल स्टूडेंट्स वाटर कलर, येलो ऑकर, इस कलर का नाम है येलो ऑकर। तो आपको जहां पे ये रंग आपने जिस गोले में लगाया है उसके आगे आपको येलो ऑकर इंग्लिश में लिखना होगा। इसी तरह से मैं आपको सारे रंग के नाम बता दे रही हूँ। ये येलो ऑकर, लेमन येलो, ये आपका कारमाइन, ऑरेंज, मॉव, क्रोम ग्रीन, वेरेडियन ग्रीन, कोबाल्ट ब्लू, पर्शियन ब्लू, बर्न्ड साइना, चाइनीज व्हाइट और आइवरी ब्लैक। ये सारे 12 रंग आपके पास आपके कलर बॉक्स में मौजूद हैं। बस आपको इन कलर्स को ब्रश की सहायता से इन 12 गोलों पर भरना है। भरने के बाद इन रंगों के नाम उसके आगे लिखने हैं। ये बहुत आसान काम है बच्चों, ये आप आसानी से कर सकते हैं। 12 रंगों के नाम अच्छे से याद कर लीजिए कि किस रंग को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। वैसे तो आप लोग जानते हैं कि रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, ये सब कलर होते हैं, लेकिन रंगों को जिन नामों से पहचाना जाता है उसके विभिन्न शेड्स होते हैं, हर रंग का अलग अलग नाम होता है उसी प्रकार। तो आपको अभी 12 रंग याद करने हैं, तो इन 12 रंगों को आप लिख लीजिए और इनके नामों को याद कर लीजिए। रंगों का नाम, ये है इसकी हेडिंग है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मैं आगे का आपको बताऊंगी कि आगे आपको क्या क्या बनाना है। जितनी बातें मैं बता रही हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनिए और उसी क्रम से आप काम करते चलिए। पहले कवर पेज बनाइए, उसके बाद रंगों के नाम। थैंक यू बच्चों।